दोस्तों हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के टाइम में अभी तो हमारे तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और सुबह का अभी लगभग 8 बजने को है और हम अभी उठ चुके हैं, खाना वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारे काम है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और देख सकते हैं मैं इस वाले कमरे में आके बोल रही हूँ क्योंकि उधर थोड़ी वॉइस जाती है मेरी, तो इसलिए मैं फिलहाल अभी इसी कमरे में हूँ। तो दोस्तों अभी इस घर में बच्चे सो रहे थे जो कि अभी जस्ट 1 मिनट हुआ है उठ के और बच्चे गए हैं, तो मैं ब्लॉग शुरू करी हूँ इसलिए, क्योंकि मैं चोरी छिपी ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों को पता है। तो जो थे ना वो नीचे वाले का बच्चे थे तो सुन लेते तो गए हैं, तो मैं अब शुरू करी हूँ। तो देख सकते हैं रजाई पड़ा हुआ है और फैन भी चला के सो रखे थे बच्चे, इधर भी रजाई रख रखे हैं, बच्चे काम वगैरह कर रहे थे और खेल वेल रहे थे ऐसे, देख सकते हैं आप। हे गाइस, तो देख सकते हैं हमारा प्यारा सा छत इधर की तरफ है और मैं उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि एक उधर अंकल है, पता नहीं कौन है, जो घूम रहे हैं और मेरा लड़का देख के आया है, बोला है कि मम्मी उधर मत जाना, कोई देख रहा है। तो इसलिए क्योंकि चोरी छिपी बनानी पड़ती है तो बहुत मुश्किल हो रहा है, उधर नहीं चलते हम, इधर की तरफ चलते हैं एक बार। तो हम इधर आ गए हैं, देखिए अभी बनाएंगे, देख सकते हैं छत। और बहुत अच्छी धूप निकल गई है सामने, देख सकते हैं धूप। और सुबह उठ के सूरज भगवान को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, देखिए। तो गाइस देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का, सुबह का टाइम का, क्या मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर, वाओ। देखिए और सूरज भगवान उधर सामने दिख रहे हैं आपको और उसके किरण देखिए कैसे ऐसे लंबे लंबे सा है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। तो दोस्तों हम बातें तो बहुत कर लिए हैं, अब हम आ गए हैं खाना वगैरह बनाने। और अभी फिलहाल में सुबह 7 बजे मेरे हस्बैंड जी गए हैं, वो अपना चले गए ड्यूटी, उनको जाना था जल्दी तो इसलिए चले गए हैं। और बस खाना बना रहे हैं क्योंकि बच्चे वगैरह है तो उनको भी तो खाना देना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं अभी देख सकते हैं किचन में ही खड़ी हूँ, देखिए बर्तन वगैरह जो जहाँ सब सामने ही दिख रहा है आप लोगों को, देखिए। और हम अभी बनाएंगे कुछ सब्जी और चावल बना रहे हैं हम। तो ये देखिए हमारा चावल कैसे पकने लग रहा है, ये देख सकते हैं, ये देखिए पतीला में हम चावल बनाते हैं, पतीले के चावल खुला चावल है ना तो अच्छा लगता है खाने में, कुकर के चावल बच्चे पसंद नहीं करते हैं और मुझे भी ज़्यादा खास पसंद नहीं है, टाइट टाइट हो जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर मैं खुले ही चावल बनाती हूँ। और इधर हम आलू उबाल चुके हैं जो कि हमें बनाना है आलू गोभी की सब्जी, हम फटाफट से बना लेते हैं सब्जी वगैरह, चावल होने को है मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ इसलिए, क्योंकि मेरा लड़का मांग रहा है, बोले मम्मी खाना दो। तो एक बार हम अपने कमरे में आ गए, देखिए ये तो हमारा कमरा है, देख ही सकते हैं आप, सुबह का टाइम है तो हम अभी साफ नहीं किए हैं, अभी बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो मतलब किचन का काम होने के बाद हम कमरे वमरे साफ सफाई करते हैं। फिलहाल तो मैं सब्जी लेके चलती हूँ इसमें से। राधे तेरे चरणों की, अभी हम इसमें हम बनाने वाले हैं आलू गोभी की सब्जी, गर्मा गर्म चावल और आलू गोभी की सब्जी, जो कि अब हम गोभी को काट लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम गोभी को काट लेते हैं, जो कि मैं बैठ गई हूँ इसको लेके, दरात को लेके, और मैं चक्कू से बहुत कम काटती हूँ, मुझे चक्कू से काटने में प्रॉब्लम होती है, कई बार हाथ काट ली हूँ चक्कू से, तो इसलिए हम इसको इसी से काटते हैं। और मैं सुबह आज इसलिए खासकर ब्लॉग शुरू की हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए हैं ड्यूटी, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ब्लॉग शुरू कर दी हूँ, क्योंकि वो रहते हैं तो मैं कभी बनाती नहीं हूँ, ये तो आप लोग पता है मैं चोरी छिपे बनाती हूँ, तो आज वो जल्दी चले गए हैं तो फिर हम जल्दी स्टार्ट कर दिए हैं ब्लॉग। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, आगे आगे जो भी जैसा भी होता है सब कुछ मैं प्रेजेंट करती हूँ आपको। फ्रेंड्स हमारे देख सकते हैं बच्चे चाय छानने लग रहे हैं, इसलिए हमने बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो थोड़ा बच गया है। तो हमारा छोटा वाला लड़का जो है ना वो चाय की बहुत ज्यादा प्रेमी है, बहुत ज्यादा, मतलब सुबह 6 बजे बिस्तर से बोलने लगेगा मम्मी जी चाय बना दो चाय बना दो। देख सकते हैं जो भी था कर लिया ये। और मैं इधर प्याज काट रखी हूँ और हम ये देखिए गोभी काट रखे हैं, आपका भी छानना है, और फटाफट से हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई चढ़ा के मुझे गोभी को फ्राई कर लेनी है, रिस्क धो देंगे। और इधर मैं आलू पानी में डाल रखी हूँ ठंडा होने के लिए, ज्यादा गर्म है इसलिए।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम गोभी को धो रखी है और मेरे हाथों में कैसे है गोभी, और जो कि मैं इधर कढ़ाई चढ़ा रखी हूँ और कढ़ाई में तेल डाल रखी है हम, उसको बिल्कुल गर्म हो गया है और मुझे फटाफट से इसको डाल देना है उसमें डाल के और हम इसको गोभी को ला। तो दोस्तों हमारे गोभी फ्राई हो गया है बिल्कुल, अब निकालना है। और मैं इधर आलू भी छील रखी हूँ, इसमें रख आलू को, और मैं इधर फटाफट से हम क्या करते हैं टमाटर काट लेते हैं। आज स्पेशल में गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हमारे घर जब आइएगा तो जरूर खिलाऊंगी। बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी, काफी मजेदार बिल्कुल। तो आज हम सुबह में वही तैयारी कर रहे हैं अपने आलू और गोभी की सब्जी, जो कि अब बस हम टमाटर काट चुके हैं और देख सकते हैं इधर हमें गोभी निकालना है कढ़ाई में से और हम उसको निकाल देंगे फटाफट से अभी। इधर हमारा टेंटारा कट गया हमारा टमाटर भी। और आलू गोभी को सब्जी बनाने वाली हूँ मैं, मस्त वाला। देखिए फ्रेंड्स ये हम लाल करके भून दिए हैं बिल्कुल, देखिए ये फ्राई हो गया है बिल्कुल, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम इसको निकाल देंगे और हम निकाल लेते हैं। देखिए अब हम इसको निकाल लिए, फिर देखिए बस ये देख सकते हैं हमारा फ्राई हो गया गोभी। आप लोग भी ऐसे बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। ये देखिए हो गया हमारा। और इसमें हम अब क्या करने वाले हैं, अब जैसे कि ये कढ़ाई है, कढ़ाई में क्या करेंगे तेल डालेंगे, तेल के बाद जीरा, जीरा के प्याज टमाटर मसाला सब करके फ्राई करना है इसको। प्याज लाल हो गया गाइस, तो हम टमाटर डाल देंगे इसमें। और टमाटर डालने के बाद अभी के अभी जस्ट हम मसाला इसी में डाल देंगे हम फटाफट से। और मसाला डालने के बाद पूरा मसाला भुन जाएगा ना, उसके बाद हम सब्जी डालेंगे। दोस्तों आप लोग कंटिन्यू रहिए हमारे साथ में, जैसे जैसे कर रही हूँ आप लोगों को दिखाई रही हूँ तो कंटिन्यू रहे आप लोग। देखिए दोस्तों आपको इस तरह से इसको मसाला को भी फ्राई कर लेना है, देख सकते हैं बिल्कुल मैंने लाल करके फ्राई कर दी हूँ। इधर गोभी फ्राई हो चुका है और इस मसाला जो भून गया है, इस मसाले में हम आलू डाल देंगे, ठीक है। और हम दो चार बार आलू को चलाने के बाद जो है इसमें फिर गोभी रख देंगे हम, गोभी को एक आध बार ऐसे चला देंगे, उसके बाद इसमें हमें पानी डालना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गोभी भी डाल देती है दोनों फ्राई हो जाए, ये देखिए। और दोस्तों पता है अक्सर सब्जी में अगर मान के चलिए फ्राई करके बनाते हैं ना, उसमें अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का, तो इसलिए जो हम इसको जो फ्राई कर रहे हैं और इधर फ्राई कर रहे हैं तो इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, तो इसलिए हम जो है पहले उबलने के लिए पानी को डाल दिए गर्म होने के लिए, क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे सब्जी उबलना शुरू हो जाएगा, इसकी स्वाद ही कुछ अलग होते हैं खाने में। इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह, जब तक फ्राई ना हो जाए तब तक पानी इसमें नहीं डालेंगे। तो पानी डालने के बाद अपना नमक डाल दें, नमक डालने के बाद आप लोग गैस बंद करके उसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सब्जी बिल्कुल फ्राई हो चुका है, मतलब अब इसमें हम गर्म पानी डाल रहे हैं, देखिए भाप निकलने लग रहा है। और आप लोग जितना ज़रूरत हो उतना पानी आप डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि हमें चावल के साथ खाना है, हम दाल नहीं बनाए हैं इसलिए, क्योंकि कल दाल खाए थे तो आज इच्छा नहीं की दाल खाने के लिए, तो इसलिए हम आज आलू और गोभी की सब्जी बना रहे हैं। और इसमें अब हमको क्या करना है, नमक डाल के ढक देना है, जब बन जाएगा उसके बाद हम इसको धनिया डाल के 5 मिनट के लिए ढक देंगे इसको। और देख सकते हैं हमने डाले और देखिए कितना अच्छा कलर, देखिए मस्त लग रहा है ना। अब इसको उबलने तक हम इसको छोड़ देते हैं, अब इसको नमक डाल के ढक देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और हम सोच रहे हैं कि कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा, सुबह का टाइम है और फटाफट से हमने वीडियो बना ली है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट और साथ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं सबसे चोरी छिपे ब्लॉग बनाती हूँ, किसी को पता नहीं है और दूर दूर तक मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं है, किसी को मतलब पता ही नहीं है, मैं खुद अकेले मेहनत कर रही हूँ बना रही हूँ। और आप लोग जो भी हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो उसके लिए तो दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों। तो फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।